हे एवरीवन, तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं जीजीयू के कैंपस में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा है जीजीयू कैंपस। एक्चुअली इसको बहुत अच्छे से बनाने का प्लान था, बट हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेने गए थे जीजीयू कैंपस, इसलिए बस ऐसे ही बना लिया है। बट अगर आपको और बहुत अच्छी वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, ताकि हम और अच्छे से इस वीडियो को आपको एक्सप्लोर कर सके। इट मीन्स कि हर एक डिपार्टमेंट में कैसी फैसिलिटीज़ है, क्लासरूम्स कैसे है, सीटिंग सिस्टम कैसे हैं, सबको आपको अच्छे से दिखा सके। लाइब्रेरी है, वर्कशॉप हॉल है, ऑडिटोरियम वगैरह है, कैंटीन्स हैं, तो सबको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो आप हमें कमेंट डाउन ज़रूर से कीजिएगा। देन अगर आप जीजीयू के ही स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, और हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो हमको व्हाट्सअप ज़रूर से कीजिए। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जीजीयू को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं और हमने वहाँ से पढ़ाई नहीं की है, इसलिए हमको थोड़ा सा कैंपस एक्सप्लोर करने में दिक्कत जा रहा था। और अगर आप लोग हेल्प करोगे तो वीडियोस काफ़ी अच्छी बनेगी, और आई होप कि हम लोग के साथ साथ आप लोग को भी ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, ज़रूर से हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हुआ है ऑलवेज कम्युनिटी टैब पर कि आप कॉमर्स डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कीजिए, आप बायोटेक डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कीजिए करके। तो वो लोग ज़रूर से इस वीडियो को देखें, एंड चाहूँगी कि हर एक डिपार्टमेंट से कम एक स्टूडेंट तो हम लोग को एक्सप्लोर करने में हेल्प कर ही दे। तो अगर आप जीजीयू के स्टूडेंट हैं तो आप अपने जितने भी जीजीयू के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि हमको भी हेल्प हो सके और आपके जो क्लासेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लोर कर सके और आपका ओपिनियन ले सके जीजीयू के लिए। आपका क्या राय है, क्यों आपको अच्छा लगता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ की अच्छी लगती है, स्टडी कैसे है, टीचर्स कैसे हैं, एवरीथिंग। तो इसके लिए आप ज़रूर से हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो अभी हम लोग फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं, और फिजिक्स डिपार्टमेंट से पहले आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड बॉटनी डिपार्टमेंट मिल जाएगा। देन लेफ्ट साइड में प्रशासनिक भवन जिसको बोलते हैं, यहीं पर आपको सारे एग्जामिनेशन वगैरह से रिलेटेड आंसर क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। हम लोग भी यही गए थे आंसर लेने के लिए। तो लेफ्ट साइड पर जो डिपार्टमेंट आने वाला है वो है फिजिक्स डिपार्टमेंट, और यहाँ पर सभी जगह पर इस टाइप के स्टैंड लगे हुए हैं जिस पर लिखा गया है कि किधर साइड कौन सा बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट है, और यह है बायोटेक डिपार्टमेंट। तो इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो बायोटेक के लिए है, और जो फर्स्ट फ्लोर है ना वो बॉटनी डिपार्टमेंट है। तो हम लोग तो अंदर गए थे बायोटेक डिपार्टमेंट के, काफ़ी अच्छा लगा। सीटिंग सिस्टम और स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह भी है यहाँ पर, तो अगर आप लोग का हेल्प रहा तो हम ज़रूर से एक्सप्लोर करेंगे उनको अच्छे से। देन हम लोग डायरेक्ट कैंटीन आए थे, तो मैंने रोड का तो सीन नहीं लिया, बट कैंटीन के पास पहुंचकर ये छोटा सा क्लिप बनाया है। और यहाँ की कैंटीन को देखकर मुझको बस मूवी वाला सीन याद आया, जिसमें मूवी वेब सीरीज़ वगैरह में दिखाते हैं जिस टाइप का कैंटीन कॉलेज, बस वही हाल है। बाकी हम तो जीजीयू वाले हैं, तो उनको आप लोग यहाँ रेगुलर आते हो? हाँ। कौन से डिपार्टमेंट से हो आप? बॉटनिकल साइंस। बॉटनिकल साइंस।
देन अगेन हम लोग फिजिक्स डिपार्टमेंट वापस आए थे बाइक रखने के लिए, और इसके जस्ट राइट साइड में ऑडिटोरियम है, तो ऑडिटोरियम में हम लोग इंटर करने वाले थे, बट वहाँ प्रोग्राम चल रहा था जिसके वजह से डोर लॉक था, तो बस आउटर साइड से देखे हैं, वर्कशॉप चल रहा था वहाँ मेन। देन फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा बाइक में कैमरा बहुत हिल रहा होगा, मेरे से बहुत ज़्यादा ही हिलता है, स्टेबिलिटी कम है, बट ट्राई करूँगी कि इसको थोड़ा और इम्प्रूव करूँ, स्टेबल वीडियो आपको ला के दूँ जो काफ़ी अच्छा लगे। देन डिपार्टमेंट्स के नाम तो मैंने उतने ध्यान से नहीं देखा है, और प्लस ये भी है कि हमने वहाँ से पढ़ाई नहीं की है तो इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है। बट आप जीजीयू के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये वाला कौन सा डिपार्टमेंट है। देन आगे चलते हैं तो फार्मेसी डिपार्टमेंट बीएड का जो क्लास है बीटेक और सेंट्रल लाइब्रेरी इधर ही है। अब आपको ये लग रहा होगा कि आप तो यहाँ से पढ़ाई नहीं किए हो, फिर सेंट्रल लाइब्रेरी, फार्मेसी डिपार्टमेंट, बीटेक डिपार्टमेंट ऐसा क्यों बोल रहे हो करके, तो देखो मेरी बहन का एडमिशन कराना था तब हम लोग फार्मेसी डिपार्टमेंट गए थे, तब अच्छे से याद है कि फार्मेसी डिपार्टमेंट कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ 4 घंटा हम लोग बैठे थे। देन सेंट्रल लाइब्रेरी वो याद हो गया जब हम लोग गए थोड़ा सा अंदर साइड जाके देखे, और इधर से ही सेंट्रल लाइब्रेरी का इंटर है। तो जीजीयू वाले अगर आपने बिलासपुर का जो न्यू लाइब्रेरी बना है उसको देखा है और अपने यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी देखा है, तो दोनों का कंपैरिजन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ बस हमने आउटर से लिया था सेंट्रल लाइब्रेरी को, रुके वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे, अंदर भी नहीं गए थे क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका था, धूप इतना था और बाकी चीज़ों को भी कवर करना था। तो लाइब्रेरी के जस्ट सामने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, देन थोड़ा आगे चलने पर राइट साइड पर फुटबॉल ग्राउंड्स वगैरह है जहाँ पर क्रिकेट वगैरह भी यहाँ पर होती है। और जीजीयू तो मुझको पूरा गांव टाइप लगता है, जहाँ दूर दूर तक एक एक बस अपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है। तो थोड़ा और आगे चलने पर लेफ्ट में आता है फार्मेसी डिपार्टमेंट, सो लेट मी कमेंट डाउन कि फार्मेसी को हिंदी में क्या कहते हैं। एंड मुझको पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स में से बहुत लोगों ने फार्मेसी के लिए अप्लाई किया है, तो वो लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन ने फार्मेसी के लिए अप्लाई किया है, चाहे डी फार्मेसी हो चाहे बी फार्मेसी। देन फार्मेसी डिपार्टमेंट से थोड़ा आगे प्रौद्योगिकी करके डिपार्टमेंट है, इसको इंग्लिश में मुझको याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ होगा, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट डाउन कीजिए प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर लिखा है और ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो मैंने आधा सही बोला था। तो थोड़ा और आगे जाने पर देन लेफ्ट लेने पर अगेन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जहाँ मेन वर्कशॉप का काम होता है। देन उससे और आगे जाने पर बीएड की क्लासेस जहाँ लगती है, इट मींस बीएड की डिपार्टमेंट है। तो ये वाला जो अभी दिख रहा है ना, ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड वर्कशॉप की है। देन इसी रूट में और आगे जाने से जो डिपार्टमेंट दिख रहा होगा वाइट कलर का, अभी उधर जाने वाले हैं, बट एग्जैक्ट पूरा लुक आपको तो नहीं मिल पाएगा। तो मैंने देखा था हेडिंग बाद में, तो ये बीएड डिपार्टमेंट लिखा था, अगर कोई और डिपार्टमेंट है तो जीजी वाले प्लीज़ कमेंट डाउन कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है। देन अगेन हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिटर्न हो रहे हैं और वापस नहीं जा रहे हैं जहाँ से स्टार्ट किया था, बस मेन रोड पे निकल रहे हैं, क्योंकि ये लगभग पूरा गांव टाइप का लगता है, इतना बड़ा
एरिया में फैला हुआ है ना कि यहाँ इतने सारे रोड्स बने हुए हैं, ब्रांचेस है दूर दूर तक। देखिए अगर आप पैदल यहाँ जाने का सोचोगे ना तो हालत ख़राब होने वाली है। और सबसे दूर जो डिपार्टमेंट मुझको लगा वो है जूलॉजी, तो बीएससी जूलॉजी लेने वाले सोच लीजिए आपको कितना दूर कवर करना है। तभी जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट होने वाला है ना वो जूलॉजी है, और इसको देख के धोखा मत खाइए। अभी हम लोग हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और बीएड, ये दोनों वही डिपार्टमेंट हैं। तो वर्चुअली ये जीजीयू का कैंपस आपको कैसा लग रहा है ज़रा कमेंट डाउन कीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। तो यहाँ पर है ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और इसका दोनों तरफ से रास्ता है, मीन्स एक ये जो अभी अभी बढ़ रहा है और दूसरा वाला दूसरे साइड से जाकर दिखाएंगे। और आई थिंक यहीं पर जूलॉजी का भी है। तो अगर आपको डिपार्टमेंट के अंदर की चीज़ें देखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिए, हम आपके लिए दोबारा जाएंगे जीजीयू और वीडियो बनाकर लाएंगे। देन अगेन हम लोग मेन रोड पर निकल रहे हैं। और यहाँ से राइट साइड में भी कुछ डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं, तो मुझको आइडिया नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट है, बट अगर आपको पता है तो ज़रूर से कमेंट डाउन कीजिएगा। तो अभी हम लोग अगेन जाने वाले हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट के साइड, थोड़ा सा रोटेशन लेके, क्योंकि आई थिंक ये दूसरा डिपार्टमेंट है, मैं इतना कंफ्यूज हो जाऊंगी ना इस कैंपस को देख के। तो अब फाइनली जाके ही देखेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है। वैसे जीजू में इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, सभी के डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं होंगे, मुझको कोई आइडिया नहीं है, जितना दिख रहा है हम लोग उतने को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड जीजीयू से पढ़े हुए या फिर जीजीयू में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए अपने डिपार्टमेंट की कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ जो आपको बहुत पसंद है। ओके, तो ये जूलॉजी डिपार्टमेंट है, फाइनली डिसाइड हो गया, यहाँ पर पोस्टर लगाया गया था, तो अब यहाँ से रिटर्न लेते हैं। वैसे मुझको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं जीजीयू में बॉटनिकल गार्डन देखूँगी बॉटनी डिपार्टमेंट का, बट बताया गया कि बॉटनी डिपार्टमेंट बायोटेक के ऊपर वाले फ्लोर पे, मीन्स फर्स्ट फ्लोर पर है, और फर्स्ट फ्लोर पर कोई गार्डन नहीं है। बट फिर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि एक जगह किसी न किसी जगह इतना बड़ा कैंपस है, बॉटनिकल गार्डन तो बनाना चाहिए ही। और लेट मी कमेंट डाउन, क्या आप भी मेरी बातों से एग्री करते हैं, क्या जीजीयू में बॉटनिकल गार्डन बनना चाहिए? और अगर आपको बॉटनिकल गार्डन के लिए कन्फ्यूजन है तो मैं क्लियर कर दूं, बॉटनिकल गार्डन का मीन्स वही है, बॉटनी में जो जो आप पौधे वगैरह पढ़ते हैं उसमें से कुछ को कलेक्ट करके वहाँ पर लगाया जाए। देन थोड़ा और आगे आने पर ये और सारे डिपार्टमेंट है और इनका भी नाम मुझको नहीं पता है, बट नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे सारा डिटेल पता करके आएंगे, सारे डिपार्टमेंट के नाम, उनकी जगह, लोकेशन, उनके अंदर की क्लासेस, सब मीन सब। बस आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि हमको एक्सप्लोर करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए। तो अगर आपका डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए और थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दीजिएगा। देन हमारे लेफ्ट साइड पर है यहाँ का काली मंदिर। हाँ, जीजीयू में मंदिर भी है, वो भी महाकाली का मंदिर है। तो यहाँ का लोकेशन तो मुझको काफ़ी पसंद आया, अभी गर्मी के टाइम पर इसको देख के जो रिलैक्स लगा ना, आप वीडियो में भी देख सकते हो जितना कैंपस था उसमें बाकी जगह इतनी धूप दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर एकदम छाया, शांति, बस एकदम माइंड रिलैक्स। और इतने धूप में ऐसी जगह मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो जीजीयू का पूरा कैंपस का वीडियो शूट करते ना धूप में इतना घूमे हैं कि मुझको तो ये जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई, और मुझको अब यही लगता है कि जीजीयू का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस यही है। और आप हमें कमेंट डाउन करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा जगह सबसे बेस्ट है आपके लिए। हाँ, मे भी आप बोले कि आपका खुद का डिपार्टमेंट या फिर कैंटीन या फिर कोई और जगह, तो कमेंट डाउन ज़रूर से कीजिएगा।
और ये भी बताइएगा कि इस जगह से सुंदर अगर कोई और जगह भी है तो उसके बारे में भी ज़रूर से कमेंट डाउन कीजिएगा, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम विजिट करें जीजीयू तो उन जगहों को भी अच्छे से कवर कर सकें। तो यहाँ पर छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं जिसमें नील कमल लगाए हुए हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और आप ये मत सोचना कि इसमें कितना कचरा है करके, अभी नवरात्रि का टाइम था तो उसमें जो पूजा पाठ के लिए सामान यूज हुआ है तो उसको इसी में विसर्जन कर दिए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी बहुत अच्छे से यहाँ को रखे हैं, काफ़ी क्लीन है। अब हम लोग काली मंदिर से निकल के थोड़ा और आगे जा रहे हैं और लगभग जीजीयू कैंपस का एक राउंड पूरा कंप्लीट होने को आया है। और आई थिंक अभी इधर डिपार्टमेंट तो नहीं है, बट जीजीयू में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स के लिए जो क्या बोलते हैं घर बोलना चाहिए, वो सब अवेलेबल यहाँ कराई गई है। तो ये वही एरिया है पूरा। एंड जीजीयू के कैंपस में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, तो हमने उसको भी नहीं देखा है। जब भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, बस आप लोग की हेल्प चाहिए। सो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। आई नो आप हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, इस बार भी ज़रूर से करेंगे। जब हमने ये विजिट किया और वीडियो बनाया तब नोटिफाई ही नहीं किया था, सिर्फ ये बोल के गए थे कि सर से मिलने जा रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में इतने सारे क्वेरीज आ रहे हैं उनके आंसर चाहिए करके। ये बिल्कुल भी नहीं बताया था कि वहाँ का व्लॉग आने वाला है, जीजीयू का हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा करके। बट इस बार बता के जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे तो ज़रूर से कमेंट डाउन कीजिएगा। अगर हर डिपार्टमेंट से एक एक स्टूडेंट भी मिल गए ना, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। एंड देन यहाँ पर आपको मिरर दिख रही होगी, ये मिरर बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक हर रोड में हर मोड़ पर जहाँ पर एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है उसको लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्लियरली दिखता है कि सामने से गाड़ी आ रही है कि नहीं, चाहे आप 90 डिग्री में क्यों ना रहें। देन अब हम एकदम स्टार्टिंग वाली जगह पर पहुंचने वाले हैं, गेट से बाहर नहीं, गेट के अंदर ही, जो जहां पर गुरु घासीदास जी का मूर्ति बना हुआ था ना, अब लगभग वहां पहुंचने को आ गए हैं। तो लगभग जीजीयू का कैंपस टूर ख़त्म होने वाला है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कैंपस टूर थोड़ा तो अच्छा लगा ही होगा। एंड अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इससे भी अच्छा वीडियो आएगा, सभी डिपार्टमेंट का आएगा, सेपरेट सेपरेट आएगा, क्योंकि एक वीडियो में हम सबको कवर नहीं कर सकते। यहाँ पर इतने सारे डिपार्टमेंट हैं ना, एक एक को एक्सप्लोर भी करेंगे तो भी 5-5 मिनट अराउंड तो लग ही जाएगा। तो मान के चलिए 20 डिपार्टमेंट है, तो फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना लंबा वीडियो आप एक साथ तो नहीं देखना पसंद करोगे, और हमारे लिए भी टफ हो जाएगा इतना लंबा वीडियो बनाना। तो हम ट्राई करेंगे एक एक डिपार्टमेंट को कवर करें, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएं, जिससे आपको भी हेल्प हो जाए और हमको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की जीजीयू कैंपस टूर आप लोगों को पसंद आई होगी, तो आज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।